सो है गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग की तरफ से जो प्रीमियम लैपटॉप्स लॉन्च हुए हैं उसी के बारे में। सो फाइनली सैमसंग हैड लॉन्च इट्स प्रीमियम रेंज ऑफ लैपटॉप इन इंडिया, जो कि है सैमसंग गैलेक्सी बुक 2 सीरीज। और इसी लाइनअप में है सैमसंग गैलेक्सी बुक 2, बुक 2 प्रीमियम और बुक 2 बिजनेस और बुक 2 गो। और इसी लैपटॉप में विंडोज 11 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सैमसंग गैलेक्सी बुक 2 सीरीज और बुक 2 बिजनेस, इन दोनों में 12th जनरेशन इंटेल कोर प्रोसेसर दिया गया है। और जो गो सीरीज है उसमें स्नैपड्रैगन 7C जनरेशन 2 प्लेटफॉर्म पे बेस्ड। सो बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी बुक 2 सीरीज के बारे में, इसमें क्या कुछ स्पेसिफिकेशंस वगैरह है और ये डिजाइन में कैसा रहा है और ये इंडिया में कौन से प्राइस पॉइंट पे लॉन्च हुआ है। सो सैमसंग गैलेक्सी बुक 2 सीरीज में हमें 3-4 मॉडल्स देखने को मिल जाता है, जो कि सैमसंग गैलेक्सी बुक 2 प्रो 360, जो कि करंटली सैमसंग की तरफ से मोस्ट प्रीमियम लैपटॉप है। गैलेक्सी बुक 2, गैलेक्सी बुक 2 360 और गैलेक्सी बुक 2 प्रो और गैलेक्सी बुक 2 प्रो 360 और इसका और दो वेरिएंट भी होगा, जो कि गैलेक्सी बुक 2 बिजनेस एंड गैलेक्सी बुक गो, जो कि एक बेस वेरिएंट होगा। और दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी बुक 2 प्रो 360 ये दोनों ही स्क्रीन साइज में अवेलेबल है, जो कि 13.3 इंच और एक 15.6 इंच स्क्रीन साइज। और ये अवेलेबल है ग्राफाइट और सिल्वर कलर में। सैमसंग गैलेक्सी बुक 2 और सैमसंग गैलेक्सी बुक 2 360 ये दोनों ही मॉडल अवेलेबल होंगे इंडिया में विथ स्क्रीन साइज ऑफ 13.3 और 15.6 इंचेस स्क्रीन साइज के साथ ये इंडिया में अवेलेबल होंगे। सो दोस्तों बात करते हैं डिज़ाइन के बारे में, तो डिज़ाइन में हमको बहुत ही एक स्लिम और मिनिमल डिज़ाइन के साथ ये लैपटॉप्स देखने को मिल जाता है। और ये जो 360 है, इसी लैपटॉप को हम 360 फोल्ड कर सकते हैं और इसमें एस पेन का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, जो कि एक काफ़ी ग्रेट थिंग्स हो जाता है इन ए लैपटॉप। और दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो स्क्रीन साइज में हमको देखने को मिलेगा जो कि 13.3 इंच होगा और एक 15.6 इंच होगा। और डिस्प्ले रेजोल्यूशन की बात करें तो ये फुल HD प्लस होगा, जो कि 1920x1080 पिक्सल के साथ होगा। सुपर एमोलेड डिस्प्ले ये कंफर्म होने वाला है और ब्राइटनेस लेवल अप टू 500 nits। और लैपटॉप में प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा इंटेल i5 और i7 प्रोसेसर, जो कि पावर्ड होगा 12th जनरेशन। और दोनों ही लैपटॉप में 2GB ऑफ LPDDR5 रैम और अप टू 1TB ऑफ SSD स्टोरेज देखने को मिलेगा। और ये लैपटॉप में और भी जो फीचर्स रहने वाला है उसके बात करें तो इसमें, और ये जो गैलेक्सी बुक 2 प्रो 360 है ये 13.3 इंच डिस्प्ले के साथ होने वाला है और इसमें हमको 63Wh बैटरी देखने को मिलेगा, WH मतलब वाट आवर। और एक और वर्सन की बात करें तो 15.6 इंच डिस्प्ले के साथ होगा और ये 68Wh बैटरी के साथ रहने वाला है। और दोनों ही मॉडल में 65W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगा और दोनों ही लैपटॉप में। और कनेक्टिविटी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स देखने को मिलेगा, USB टाइप सी और USB 3.2 टाइप ए दो पोर्ट रहने वाला है और एक HDMI पोर्ट भी रहने वाला है। और इसमें एक 3.5mm हेडफोन जैक भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर एक बेहतरीन बात यह है कि दोनों ही लैपटॉप में माइक्रो SD कार्ड रीडर भी देखने को मिलेगा, जो कि हैंडी फीचर्स हो जाता है किसी भी लैपटॉप में। ऑडियो की बात करें तो दोनों ही लैपटॉप में डुअल स्टीरियो स्पीकर विद डॉल्बी एटमॉस फीचर्स देखने को मिलेगा। और इसके प्राइसिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी बुक 2 प्रो 360 जो कि कॉस्ट होगा अराउंड 1,15,000 के अराउंड, और ये ऑफर्स वगैरह अप्लाई होकर 5,000 के अंडर डिस्काउंट भी देखने को मिल जाता है। सिमिलरली यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी बुक 2 प्रो, जो कि इसके प्राइस के बारे में बात करें तो ये 1,06,000 के अंडर देखने को मिल जाता है। और नेक्स्ट सैमसंग गैलेक्सी बुक 2 और सैमसंग गैलेक्सी बुक 2 360 इसका बेस वेरियंट स्टार्ट होता है 99,000 से, और ये जो बुक 2 है ये प्राइस स्टार्ट होता है 65,990 के प्राइस पॉइंट से। और ये जो सैमसंग गैलेक्सी बुक 2 बिजनेस है ये 14 इंच का एक लैपटॉप है और ये बिट डिफरेंट है, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी ऑप्शंस काफ़ी अच्छे तरीके से ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे और ये प्राइस पॉइंट स्टार्टिंग होता है 1,04,990 से। और इन सभी लैपटॉप्स में से एक बेस वेरिएंट है, जो कि सैमसंग गैलेक्सी बुक गो है, इसके बात करें तो ये 38,000 से स्टार्ट होता है और ये स्नैपड्रैगन 7C प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। सो ये लैपटॉप्स डिजाइन में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और स्पेसिफिकेशंस वगैरह भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। सो आप लोग इसे डेफिनेटली एज एन ऑप्शन
कंसिडर कर सकते हो।